हाँ दोस्तों, खिलाड़ी भैया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाली T20 सीरीज़ के मैच नंबर 1 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ गाइज, जो कि खेला जाएगा आपका आज रात 10:30 बजे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग रिवर साइड ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इस मैच से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, प्लेयर के फुल स्टैट्स, GL के की प्लेयर्स, CBC की बेस्ट चॉइस और फाइनल अपनी स्मॉल लीग टीम और GL टीम के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग ढेर सारा पैसा अर्न कर सको। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 6 मैचेस खेले गए हैं T20 के, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार जीती है। तो अगर कोई भी कप्तान यहाँ पे टॉस जीतता है तो बॉलिंग फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस वुड बी राइट डिसीजन, तो वो बॉल फर्स्ट ले सकता है। आपके लिए बता दूँ, यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है बॉलिंग फ्रेंडली है, पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती है। स्टार्टिंग में बॉल काफ़ी स्विंग भी करती है, तो आपको जैसे टिम साउथी हो गए आपके और उधर से आपके क्रिस जॉर्डन हो गए, ऐसे आपको बॉलर्स को पिक करके चलना है। वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 जो रहने वाली है, इसमें जॉस बटलर, वैन डकेट ओपनिंग करेंगे, डेविड मलान, हैरी ब्रुक, जॉनी वेस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन, आदिल राशिद, क्रिस जॉर्डन, ब्रैंडन कार्स, ये रहने वाली है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। बाकी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो डेवन कॉनवे, फिन एलन आपके ओपनिंग करेंगे, टिम सेफर्ट नंबर 3 पे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीसम, मिचेल सेंटर, टिम साउथी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी अगर हम बात करें इनकी प्लेइंग 11 से इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, जो कि आपको GL में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो फर्स्ट जो हमारे प्लेयर होंगे वो होंगे जॉस बटलर, सेकेंड डेविड मिलान, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, ये प्लेयर आपके ग्रांड लीग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इंग्लैंड की तरफ से। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, तो आपके डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, टिम साउथी, इस पिच पे मैं आपको बता दूं टेक्निकल बल्लेबाज अच्छा करते हैं, जैसे आपके डेवन कॉनवे हो गए, इधर से आपके डेविड मिलान हो गए, इस तरीके के बल्लेबाज काफ़ी अच्छा करते हैं, जो सिंगल डबल रोटेट करके स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और साथ ही साथ एक दो बाउंड्री भी कर देते हैं बीच बीच में। तो इस तरीके के बल्लेबाज को आपको प्रिफ्रेंस देनी है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है ग्रांड लीग में, तो वो आप देख लीजिए। देखो गाइज, अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप आँख बंद करके टिम साउथी को कैप्टन कर सकते हो ग्रांड लीग में, काफ़ी अच्छी चॉइस होंगे। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप क्रिस जॉर्डन को कैप्टन कर देना या फिर सैम करन को, इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन कर देना, क्योंकि ये पिच जो है पूरी तरह से बॉलिंग फ्रेंडली है और यहाँ पे फास्ट बॉलर काफ़ी अच्छा करते हैं। तो टिम साउथी, क्रिस जॉर्डन और सैम करन, सैम करन और क्रिस जॉर्डन आपको तब करने हैं जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कराती है, टिम साउथी को आपको जब करना है कैप्टन जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कराती है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी फाइनल स्मॉल लीग टीम और ग्रांड लीग टीम के बारे में, आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देंगे। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ग्रांड लीग की टीम देता हूँ, वहाँ आप लोग जुड़ जाना, वहाँ आपको टेलीग्राम पे ग्रांड लीग की टीम मिल जाएगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपनी ड्रीम 11 के ऐप पर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम के बारे में। स्मॉल लीग टीम में मैं जॉस बटलर और डेवन कॉनवे दोनों को रखूँगा। बैटिंग सेक्शन में आपको बताऊँ तो डेविड मिलान, ग्लेन फिलिप्स, हैरी ब्रुक, ये 3 बैट्समैन मेरी टीम का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो सैम करन मस्ट पिक रहेंगे, सेकंड आपके मिचेल सेंटनर, और यहां से मैं अभी 2 ही पिक कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम यहां से आएँ तो टिम साउथी हमारी टीम में होंगे, क्रिस जॉर्डन मेरी टीम का हिस्सा होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं यहां से एडम मिलने की, तो एडम मिलने को मैं तभी रखूँगा जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करेगी। ये हमारे बॉलिंग सेक्शन से प्लेयर फिक्स हो गए। बाकी अगर मैं एक इंग्लैंड का बॉलर लेना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ से एक स्पिनर के साथ जा सकता हूँ, आदिल राशिद के साथ में। अदरवाइज़ आपके पास लियाम लिविंगस्टोन या फिर डेरिल मिचेल की एक अच्छी चॉइस है, तो डेरिल मिचेल को मैं अभी प्रीफ्रेंस दे रहा हूँ। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है, जिसमें अपने कैप्टन करने वाला हूँ टिम साउथी को। वाइस कैप्टन जो हमारे रहने वाले हैं वो जॉस बटलर रहने वाले हैं। तो गाइज़ ये हमारी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है। बाकी मैंने आपको ग्रांड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बताई दिए कि आपको किसको बना के चलना है और कौन से प्लेयर रह सकते हैं ग्रांड लीग में कैप्टन, उसी हिसाब से आप लोग बना लेना। बाकी जिन भाइयों को अगर ग्रांड लीग की टीम चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।